कृष्णा भाई, थोड़ा आपके बारे में बताइए। मैं थोड़ा आपके बारे में बताइए, आप कहाँ से शुरू किए थे आपका ये जर्नी जो फिटनेस का था? देखिए, मैं आपको ना बहुत शॉर्ट में हाँ, बताता शॉर्ट हूँ। में बताइए। मैं बहुत छोटे शहर से हूँ, झांसी। आपने शायद नाम सुना होगा, झांसी, जहाँ से हमारी महारानी लक्ष्मीबाई जी है, हाँ, सुना है सुना है। यूपी। हाँ हाँ, यूपी में आता है। तो वहाँ से मैंने अपनी फिटनेस जर्नी चालू की थी। तो ऐसे ही जब मैं 12th में था, तो समर वेकेशन था, तो मेरा एक क्लोज फ्रेंड है, उससे मेरा शर्त लगाता है कि समर वेकेशन में कौन 2 महीने में सबसे अच्छी बॉडी इम्प्रूव करके लाता है स्कूल में। यू नो, मतलब लाइक एक होता मतलब है ना लड़कों ऐसा में। कुछ जोशीला, ऐसा कुछ चैलेंज, ऐसा कुछ था। हाँ, तो एक ऐसी नॉर्मल शर्त थी, और शर्त थी 500 रुपए अच्छा, की। हाँ, कि कौन अच्छी बॉडी बना के लाता है। तो वो 2 महीने में मैंने मेहनत की, बॉडी बनाई। फिर मुझे पता नहीं चला, धीरे 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 जब लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देने लगे, मुझे खुद भी अच्छा लगने लगा। मैं नोटिस होने लगा स्कूल में कि इसकी बॉडी अच्छी है, लोग पूछते थे। पढ़ने में तो मैं डफर था, मतलब क्लास हाँ तो नहीं आता था, पर टॉप 10 में भी नहीं आता था। तो लाइक फिर एक यही जरिया था फिटनेस की, मैं थोड़ा लोगों से अलग दिखता था, तो लोग मुझे कॉम्प्लीमेंट देते थे। फिर मिस्टर झांसी जो है, वहाँ पे बॉडी बिल्डिंग का कॉम्पिटिशन होता है अच्छा हर साल, तो मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया अच्छा पार्टिसिपेट हाँ पार्टिसिपेट किया। तो मैंने वहाँ पे, मेरी सेकंड पोजीशन आई थी वहाँ पे मिस्टर झांसी में। अच्छा फिर उसके बाद मैं यहाँ बॉम्बे आया। बॉम्बे में हाँ, वही मैं पूछने वाला था कि बॉम्बे आके आप सेलिब्रिटी ट्रेनर, आप अभी बहुत लोग आपको जानते होंगे सेलिब्रिटी ट्रेनर, और बहुत लोग नहीं जानते होंगे क्योंकि जो बाहर से है वो लोग नहीं जानते, लेकिन मैं आपके साथ बहुत समय बिताया हूँ। जब मैं बॉम्बे था, एक्टिंग क्लासेस करता था, तब आपके साथ मेरा मुलाकात हुआ था, कोई थर्ड पार्टी से मुलाकात हुआ था आपके साथ, तो तब मेरे को पता चला कि आप सेलिब्रिटी ट्रेनर हैं। तो मैंने भी कुछ महीने आपसे ट्रेनिंग लिया था। तो आप ये बताइए कि झांसी से आके एक बॉम्बे इतना बड़ा शहर है, और वहाँ पे आने के बाद एक गांव का लड़का, झांसी समझ लीजिए हम लोग सब गांव का ही है, तो एक गांव का लड़का बॉम्बे आके कैसे सेलिब्रिटी ट्रेनर, और इन सेलिब्रिटियों के साथ कैसे इंटरेक्ट हुआ, और कैसे आप आज इस पोजिशन में है, थोड़ा बताइए। देखिए, सबसे पहले आपने बॉम्बे के बारे में सुना होगा, तो बॉम्बे को बोलते हैं सपनों का शहर, सपनों का शहर। हाँ सही, सपनों का शहर, आप द सिटी ऑफ ड्रीम। यहाँ हाँ पे हर किसी के सपने पूरे होते हैं, बस आप मेहनत करते रहो। तो मैं यहाँ पे आया, मैंने कोर्स किया बॉम्बे में आके। फिर अच्छा मैंने नॉर्मल ट्रेनिंग देना लोगों को चालू किया, वो अच्छा ट्रेनिंग लोगों को मेरी बहुत अच्छी लगने लगी। मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। फिर ऐसे लाइक बोलते हैं ना कि आप जैसे किसी ने मुझसे ट्रेनिंग ली, उसको मेरी ट्रेनिंग अच्छी अच्छा लगी, लगा। उसने रेफरेंस दिया किसी और को, सही फिर उसने रेफरेंस दिया किसी और को, उसने रेफरेंस दिया किसी और को। तो ऐसे वाया वाया करके, बस एक एक चीज थी जो मैंने कभी नहीं छोड़ी, वो मेरा डेडिकेशन और अपनी क्लाइंट पे फुल फोकस। हाँ सही सही बहुत से ट्रेनर होते हैं लाइक कि पहले उनको स्टार्टिंग ट्रेनिंग मिलती है, तो 1-2 महीने फोकस रहता है, फिर उनका फोकस उनके क्लाइंट से हट जाता है। सही बट मेरा पहले दिन और मेरा जब तक वो ट्रेनिंग लेगा, मेरा सेम डेडिकेशन, सेम फोकस उस क्लाइंट पे रहता है। क्योंकि लाइक वो क्लाइंट है आपका, जब तक आप उसको अपना 100% नहीं दोगे तो वो नहीं है। तो फिर मैंने यहाँ पे आके अपने क्लाइंट पे बहुत फोकस किया। मैंने खुद भी एक प्रिपरेशन की कॉम्पिटिशन की। मैंने यहाँ पे मिस्टर मुंबई खेला, मिस्टर महाराष्ट्र में, ऑल ओवर महाराष्ट्र मेरी सेकेंड पोजिशन आई। फिर मैंने क्वालिफाई किया मिस्टर इंडिया के लिए, मिस्टर इंडिया मेंस मीट में टॉप 5 में आया। उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ एशिया के लिए। फिर मैं एशिया हांगकांग में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए गया इन 2016। तो वहां पे मेरी कैटेगरी में सिर्फ एक ही मेडल आया था इंडिया का, वो मैं लेके आया था इन 2016 आमेचर ओलंपिया हांगकांग। हाँ हाँ मैं वही बातों में आने वाला था। मैं ये जो ओलंपिया का जर्नी आपका कैसा था, और कोई एक गांव का लड़का या कोई भी सपना देख सकता है क्या ओलंपिया तक, आप क्या बोलते हो उसके बारे में? बिल्कुल देख सकता है। जो मेरा सफर था वो डिफिकल्ट तो था, बट उसको और डिफिकल्ट हो गया, क्योंकि जब भी मैं हांगकांग जाने वाला था तो थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हाँ था, और उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने वो नोटबंदी भी कर दी थी। सही 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 हाँ 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 उस टाइम नोटबंदी तो एटीएम से एक लिमिटेड अमाउंट निकल रहा था, बट मेरा टिकट था, मुझे जाना था, जाना था, कॉम्पिटिशन खेलना है। ये इंडिया में नोट मतलब नोट को बंद किया था, फॉरेन में तो नहीं नहीं किया किया था, था।
तो यहाँ पे बट मैंने मेहनत की, लोगों ने मुझे हेल्प किया, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। फिर जब मैंने प्रिपरेशन चालू की यहाँ पे हांगकांग के लिए, तो मुझे नहीं पता था कैसे होगा, बट मैंने अपना पूरा 100% दिया। मैंने अपना 100% दिया। फिर उसके बाद मैं हांगकांग गया। हांगकांग जाके मैंने वहाँ पे एथलीट देखे चाइना के, मतलब 16 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। नहीं, वहाँ का कुछ ऐसा कुछ आप वार्तालाप बताइए कि वहाँ जाने के बाद कैसे हुआ, उन लोगों का बॉडी कैसा है, और आप इंडिया से गए हो, और ये वहाँ का एक ओलंपिया के लिए तैयारी करने में आपको कितना उसमें खर्चा आता है, और कितना तक का खर्चा लेके आप चल सकते हो कि ओलंपिया की तैयारी, क्योंकि ये जो जिम का और एक बॉडी बिल्डिंग का जो गेम है, सबसे एक्सपेंसिव गेम माना जाता है दुनिया में, सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव गेम्स में से एक बॉडी बिल्डिंग है, तो कितना तक खर्चा आ जाता है एक ओलंपिया की तैयारी के लिए? देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी, मतलब एक ऐसा प्रोफेशन है जैसे एक घर है। आप घर में कितना पैसा भी लगा लो, हाँ, ठीक है, आप शादी कितनी भी मतलब हाई क्लास कर दो, पैसे का कोई इसमें वो नहीं है। ऐसी बॉडी है, आपका बजट कितना है, लेकिन फिर भी अगर आपको मिस्टर एशिया की तैयारी करनी है, ओलंपिया लेवल की तैयारी करनी है, तो यू हैव टू नीड एटलीस्ट 1,00,000 रुपए महीना चाहिए, कम से कम चाहिए। अगर आपके पास ज्यादा है, अगर आपके पास बजट ज्यादा है, तो वो फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब आप मैनेज कर सकते हो, बट 1,00,000 तो मिनिमम टू मिनिमम पैसा चाहिए, आपको चाहिए ही चाहिए। क्योंकि सप्लीमेंट आता है, डाइट आता है, खाना आता है, आपका हर तरीका का मेडिसिन आता है, बहुत कुछ। और एक मैं आपसे एक टू बी फ्रेंक बात करना चाहता हूँ कि ये जो आजकल जो मार्केट में नया बात चल रहा है कि विदाउट एस्टेरॉइड बॉडी बना सकते हैं या नहीं, विदाउट एस्टेरॉइड, और जो बॉडी बिल्डर लोग जो बाहर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इंडिया को, या इंडिया लेवल में जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, वो लोग कोई बोल रहे हैं कि नहीं, मेरा तो इतना बहुत अच्छा बॉडी है, ये बॉडी है, विदाउट एस्टेरॉइड मैंने ये बॉडी यहाँ से यहाँ तक अचीव कर लिया, और विदाउट एस्टेरॉइड और एनाबोलिक के भी बॉडी बिल्डिंग की जा सकती है, ये कहाँ से कहाँ तक सच है? देखिए, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, अगर आपका प्रोफेशन हाँ, तो आपको 100% एनाबॉलिक लेना ही पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपको बहुत प्रॉपर अंडर गाइडेंस में लेना पड़ेगा, प्रोफेशनली तरीके से। आपके डॉक्टर होते हैं, अभी जैसे मैं अभी कोई प्रिपरेशन मेरी चालू है, हाँ, मैं आपको बताऊंगा आने वाले टाइम में मैं किसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरा जो है पूरा मैं डॉक्टर के अंडर में कर रहा हूँ, फुल डॉक्टर के अंडर में मेरा है। मेरा हर महीने मेरा बीपी चेक होता है, हर एक महीने में मेरा ईसीजी चेक ईसीजी होता है, तो सारा चीज आप कितने सेफ तरीके से ये चीज कर सकते हो। तो बॉडी बिल्डिंग जो है बिना एनाबॉलिक के ये पॉसिबल ही नहीं है, बिना एनाबॉलिक के पॉसिबल नहीं है। लेकिन आप अगर आपका ये प्रोफेशन नहीं है, तो आप बिना एनाबॉलिक के फिट रह सकते हो, आप अच्छी डाइट ले सकते हो, आप अच्छा सप्लीमेंट ले सकते हो। लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, चाहे बॉडी बिल्डिंग हो चाहे फिटनेस हो, उसमें सबसे मेजर जो रोल है, सबसे मेजर 99.99% वो है डाइट का। विदाउट डाइट ना ही कोई एनाबॉलिक सपोर्ट करता है, विदाउट डाइट ना ही कोई सप्लीमेंटेशन, ना ही कोई वर्कआउट इफेक्टिव होता है, अगर जब तक आप डाइट नहीं लोगे। तो डाइट का मतलब डाइट को मैं 100% दूंगा। ये सब सपोर्टिव एलिमेंट होते हैं, जो एनाबॉलिक हो गया या जो भी सप्लीमेंट हो गया, ये सारा मतलब एक सपोर्ट करते हैं। आपको बॉडी नहीं बना के देगा वो चीज आपको बॉडी बना के नहीं देगा, सही। जो बेस है वो डाइट है। नहीं, बहुत लोगों का एक मीथ है और बहुत लोगों का ये एक मानना है कि आप एस्टेरॉइड डालो और बॉडी बना लो, लेकिन जो बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, जो एक्सरसाइज कर रहा है, उसको पता होगा कि बॉडी कैसी बनती है। दो घंटे जिम में वर्कआउट करने के बाद, डाइट मेंटेन करने के बाद, डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद, सिर्फ डाइट भी नहीं, उसके साथ डिसिप्लिन मेंटेन करने के बाद एक अच्छा बॉडी होता है। लोग क्या बोलते थे, देख के बोलते थे, ये तो भाई एस्टेरॉइड मार के बॉडी हो गया, एनाबॉलिक डाल लिया, मेडिसिन डाल लिया। ठीक है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप डाल के बना लो। मैं तो वही बोलना चाहता हूँ कि मैं पैसा दूंगा, सिर्फ तुम वो एनाबोलिक ठोसो अंदर, एक्सरसाइज मत करो, कुछ डाइट वाइट कुछ मत लो, सिर्फ सप्लीमेंट डालो और वो एनाबोलिक डालो, बॉडी बना के दिखाओ, मैं पैसा दूंगा। मैं ये बहुत, ये देखो, ये ना, ये जो है, ये जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं ना, ये आज के टाइम से नहीं कर रहे हैं। ये मतलब जो लोगों के पास कुछ मतलब कहने के लिए नहीं होता है, तो पहले क्या बोलते, पहले प्रोटीन को लोग पाउडर बोलते थे, हाँ, पाउडर बोल दे। अभी लोग धीरे धीरे एजुकेट होते जा रहे हैं, तो उनको पता है कि ये सप्लीमेंट है, ये प्रोटीन है। पहले के लोगों को नहीं पता था ये प्रोटीन है, पहले के लोगों को पता था ये पाउडर, खा गया और फूल गया,
वो 2-3 घंटे का मेहनत नहीं देखते। जिम में जाने के बाद 2-3 घंटे जो एक बंदा मेहनत करता है, दिन रात मेहनत करता है, डाइट लेता है, उसके हर तरीका का प्रिकॉशन लेता है, उसके बाद जाके एक अच्छा बॉडी बनता है, वो नहीं देखता है, सिर्फ देखता है क्या वो ले क्या रहा है। देखिए वो लोगों का नजरिया है, और लोग चाहे हमारा प्रोफेशन हो चाहे किसी का भी प्रोफेशन हो, लोग बोलते ही रहते हैं। लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है करना। जब तक लोग बोलेंगे नहीं, जब तक लाइक मतलब उनका खाना हजम नहीं होगा, तो उनका काम है बोलते रहने का। लोग बहुत हर चीज में क्रिटिसाइज करते हैं। अब यार लोग जिसने हमें बनाया है लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं। तो फिर भी प्रोटीन है, तो वो इंसान किसी को नहीं छोड़ता है, इंसान ऊपर वाले को भी गाली देता है, इंसान भगवान अल्लाह को भी नहीं छोड़ता है, तो आदमी को क्या छोड़ेगा। तो प्रोटीन क्या है, अब उनको ये नहीं पता कि जो हमारा प्रोटीन है, अगर आप इम्पोर्टेड प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन लेते हो तो वो 6-7,000 का आता है। अब उनको ये नहीं, अगर 6-7,000 अगर आप ग्लूटामाइन लो, अगर आप BCAA लो, बेसिक सप्लीमेंट बताता हूँ, तो इट्स अबाउट 15-20,000। इसमें उनका पांच जो लोग बोलते हैं उनकी फैमिली का 15-20,000 रुपए का राशन आता होगा पांच लोगों का। सन बात है, सबसे इजीएस्ट बॉडी बिल्डिंग का, वो 2 घंटे का भी काम नहीं है जिम में, वही वही वो 24/7 काम है। आपको हर 3 घंटे में खाना है, आपको 8 घंटे सोना है, यू हैव टू स्लीप 8 hours, मतलब आपको 8 घंटे सोना है, उठ के फिर आपको पूरे दिन का शेड्यूलिंग करना है कि मुझे इतने बजे वर्कआउट करना है, मुझे हर 3 घंटे में खाना है, मुझे प्री वर्कआउट मील लेनी है, मुझे पोस्ट वर्कआउट मील लेनी है। उनका भी पूरा डिसिप्लिन जो है ना एक बॉडी बिल्डर का, वो हैट्स ऑफ। मैं सारे बॉडी बिल्डर जो है पूरे वर्ल्ड के, मैं उनको बहुत एडमायर करता हूँ और उनको मैं सैल्यूट करता हूँ कि ओवर द ईयर सालों साल वो उस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करते हैं, उस डेडिकेशन को मेंटेन करते हैं। सही मजाक की बात नहीं है। क्रिकेटर भी एक जो होता है, क्रिकेटर भी आप देखोगे तो सुबह प्रैक्टिस के लिए नेट प्रैक्टिस पे 2 घंटे के लिए जाता है, उसके बाद आराम से चिल करता है, रिलैक्स करता है। लेकिन जो बॉडी बिल्डर एथलीट है ना, वो 24 घंटे अपने ऊपर काम करता है। जो नया जिम में जा रहा है, 1 साल हो गया, 1-1.5 साल हो गया, लेकिन उसका बॉडी ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसको आप कौन सा 5 ऐसे सप्लीमेंट बताना चाहेंगे जो ये यूज करने से थोड़ा उसको पुश मिलेगा? देखिए मैं सबसे 5 जो है मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसको भी मैं कैटेगराइज कर रहा हूँ। नंबर वन जो सबसे ज्यादा कंपलसरी है वो है आपका वर्कआउट वे प्रोटीन। सही। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि आपने वर्कआउट किया जिम में, आपका मसल ब्रेक डाउन हुआ, राइट? अब आपने अपने मसल को ब्रेक डाउन किया, अब उसको लगेगी भूख। मैं आपको इजी लैंग्वेज में बता, सही इजी में बताइए। हाँ, उसको लगेगी भूख, तो अभी आपकी मसल को लगी है भूख, तो अगर आप चिकन दोगे या फिर अगर आप अंडा दोगे तो उसको डाइजेशन में कम से कम 1.5-2 घंटा जाएगा, और आपकी मसल भूख लगी है 1.5 घंटे तो कुछ चांस नहीं है, मसल उल्टा खराब होएगा। तो आपको चाहिए सबसे नंबर 1 वे प्रोटीन। उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बॉडी में जल्दी डिजॉल्व हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है और अपना काम विद इन 5-10 मिनट में कर देता है। तो वे प्रोटीन मतलब नंबर 1 पे जो है, मैं वे प्रोटीन को रखूंगा पोस्ट वर्कआउट। साइंटिफिकली 3 मिनट के अंदर लेना चाहिए वर्कआउट खत्म, और मतलब लास्ट सेट मारने से पहले ही उसको बना के रखो, मतलब वर्कआउट खत्म किया और उसको पी जाओ, ऐसा? साइंटिफिकली 3 मिनट के अंदर, लेकिन आप 5-10 मिनट में भी ले सकते हो। सही। उसके बाद सेकंड पे मैं रखता हूँ BCAA जो है, BCAA का फुल फॉर्म जो है वो है ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये मुझे भी नहीं पता था, आज पता लगा। हाँ, तो BCAA का फुल फॉर्म है ब्रांच चेन ऑफ अमीनो एसिड। ये क्या करता है, आप बहुत से लोग, इसमें मिथ है, बहुत से लोग बोलते हैं मसल रिकवरी करता है, बहुत से लोग बोलते हैं एनर्जी रिकवर करता है, लेकिन BCAA सिर्फ एनर्जी को रिकवर करता है। BCAA ड्यूरिंग वर्कआउट ही क्यों लेते हैं, उसके सबसे बड़ा लॉजिक क्या है, आपने एक सेट किया। हाँ, सही। आपने एक सेट किया, आपका क्या यूज हुआ उसमें, एनर्जी, राइट? एनर्जी, अब एनर्जी लूज हो गया, एनर्जी लॉस हुआ, तो आप उसको रिकवर करने के लिए BCAA लेंगे। तो आप क्या करेंगे, सेकंड सेट के लिए प्रिपेयर हो गई आपकी बॉडी, सही? तो इंस्टेंट एनर्जी को रिकवर करता है, सही। थर्ड पे मैं रखता हूँ Omega-369। Omega-369, हाँ, काफी जगह Omega-3 मिलता है, 6 मिलता है, लेकिन 369 बहुत कम ब्रांड जो है वो 369 निकालते हैं। तो Omega-369 बहुत बहुत कंपनी है बॉडी के लिए। अभी फोर्थ नंबर पे ग्लूटामाइन। ग्लूटामाइन, हाँ।
हाँ ग्लूटामाइन, तो ग्लूटामाइन क्या करता है, ये मसल रिकवरी करता है, पीसीडब्ल्यूए एनर्जी रिकवर करता है, ग्लूटामाइन मसल रिकवरी करता है। इसीलिए उसको पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन में मिक्स करके लेते हैं। फाइव में आप मल्टी विटामिन ले सकते हो, विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, ये हो गया आप सारे, अगर आप इनको लोगे तो आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपका इंटरनली जो ऑर्गेन सिस्टम है वो भी हेल्थी रहेगा। आप क्रिएटिन भी यूज कर सकते हैं, जो क्रिएटिन का जो मिथ है ना छोटे शहर में कि किडनी पे इफेक्ट होता है, हाँ रॉन्ग है, हाँ ये रॉन्ग है। आप क्रिएटिन ले दो, आप ज्यादा पानी पियो, बट क्रिएटिन बहुत कंपल्सरी है मसल ग्रोथ के लिए। क्रिएटिन में बहुत क्वालिटीज होता है, बहुत आपका बहुत सारा क्रिएटिन होता है, कौन सा क्रिएटिन यूज करना चाहिए? क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, मोनोहाइड्रेट इज वेरी कंपल्सरी फॉर बॉडी, क्योंकि जो इंसान जो ह्यूमन बॉडी है ना, हमारी जो बॉडी है, जो मसल है ना मसल, वो पानी से बनती है, वाटर, विदाउट वाटर मसल बन ही नहीं सकती है। क्रिएटिन क्या करता है, वाटर को होल्ड करता है आपके मसल में, तो क्रिएटिन मसल बिल्ड, जब भी हम कट डाउन करते हैं हम क्रिएटिन बंद कर देते हैं। अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको बॉडी बनानी है, अगर आपको मसल ग्रो करना है, तो क्रिएटिन बहुत कंपल्सरी है। और ऐसा भी नहीं है आप 4 हफ्ते चलाओ फिर बंद कर दो, उसको लॉन्ग टर्म चला सकते हो 3-4 महीने, उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज्यादा पानी, ये मिथ है छोटे सर में क्रिएटिन से ये होता है वो होता है, कुछ भी नहीं होता है, क्रिएटिन आप यूज कर सकते हैं। आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करते हो क्या? आप बिलीव नहीं मानोगे, आज की डेट में आई हैव टू 20-25 क्लाइंट ऑनलाइन, जयपुर के मेरे क्लाइंट्स हैं, दिल्ली के मेरे क्लाइंट हैं, बेंगलोर के मेरे क्लाइंट हैं, इवन आउट ऑफ इंडिया के भी मेरे एक दो क्लाइंट हैं, तो मैं इनको ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ। यू नो देखिए क्या है ना कि अगर मुझे अगर मेरे पास नॉलेज है, हाँ, तो मैं जितना अपनी नॉलेज को बांटूंगा तो उतना मतलब मैं चाहता हूँ कि यूथ जो है ना उनके पास सही गाइडेंस और सही नॉलेज जाए। सही जी। तो कभी कभी क्या है पैसा ही इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं है होता है, आप अपने अगर यूथ को ठीक कर रहे हो या फिर अगर आप थोड़ा सपोर्ट कर सकते हो थोड़ा कम पैसा लेके, तो वो एक मतलब मेरे हिसाब से सही है। तो मैं करता रहता हूँ, काफी कुछ करता रहता हूँ, मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग चालू रहती है, ऑनलाइन क्लासेस चालू होती हैं, मैं उनको सही गाइड करता हूँ, और उनको जो छोटे शहर में जो लोगों को 5 साल बाद आके पता चले अगर वो मेरे पास है, तो मैं ये नहीं करता हूँ कि उनको कुछ भी ना बताऊं, जो उनकी बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट है वो मैं बताता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपको पूरा ज्ञान दे दोगे, आपने 6 साल में 5 साल में लिया है, आप उनको एक महीने में क्यों बता रहे हो? भाई मेरा प्रोफेशन है, हाउ कैन आई चीट माय प्रोफेशन, मैं अपने प्रोफेशन से चीट नहीं कर सकता हूं। मैं किसी को रॉन्ग गाइडेंस नहीं दे सकता हूं। तो मेरा ये मानना है कि जितने मतलब जो मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, मैं उनको पूरा फुल सपोर्ट करता हूं और उनको सही गाइडेंस करता हूं, चाहे वो मुझे कम पैसा दे चाहे ज्यादा पैसा दे, मैं उनको नॉलेज सही देता हूं। ये आपको कांटेक्ट करने के लिए कहां पे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इंस्टाग्राम और कुछ माध्यम है? मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट हैंडल है वो है ऑफिशियल कृष्णा पटेल के नाम से, ऑफिशियल कृष्णा पटेल, मुझे आप डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं या मेरा कॉन्टेक्ट नंबर भी इंस्टाग्राम पर डला हुआ है, तो आप कॉन्टेक्ट नंबर जो मेरा है आप मुझे उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, बट रिक्वेस्ट है डायरेक्ट कॉल ना करें, या तो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें, आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई आ जाएगा, इनकेस अगर नहीं आ पाए तो अगले दिन आ जाएगा, या आप मेरा नंबर जो है इंस्टाग्राम अकाउंट पर डला हुआ है आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हाँ मैं वही आपका मैं इंस्टाग्राम लिंक मैं ये यूट्यूब चैनल के अंदर डाल दूंगा, वीडियो के नीचे डाल दूंगा, वहाँ पे भी जाके आप लोग उनको कांटेक्ट कर सकते हो और मेरे बारे में बोलेंगे तो मेरे से अच्छा दोस्त भी है ये, पहले भी हम एक साथ वर्कआउट करते थे, तो वहाँ पे जाके कांटेक्ट करिए और मेरे नाम बोलिए तो आपको थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा और थोड़ा डिस्काउंट भी मिलेगा, तो यही आशा करता हूँ। आप लोग जाइए इनसे बात करिए, ये नहीं कि ट्रेनिंग लेना ही जरूरी है, नहीं, आप एक बार बात करके देखिए, उनके साथ इंटरेक्ट करके देखिए, फ़ोन पे बात करके देखिए, मैसेज करके देखिए वो आपसे कैसे जवाब देते हैं, और आपको अच्छा लगे तो उनसे ट्रेनिंग ले सकते हैं।